बेटियों की खूबी है, लोग दुखी होते हैं किसके चक्कर, बेटा 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 बेटा, लेकिन बेटा किसी काम के नहीं होते। बेटी से तुम एक गिलास पानी मांगोगे तो ला कर देगी और वहीं खड़ी रहेगी, और वहीं पर बेटा से मांगोगे तो एक बार में ला के नहीं देगा, चार बार जब तक नहीं बोलोगे, चार बार नहीं बोलोगे तो चौथी बार में लेकर आएगा और हाथ में देगा, वहीं पटक देने पी लिया। और जहां तुमने चार बार मांग दिया तो चौथी बार में तो कह देगा पता नहीं क्या खा के सो गए, क्यों इतना पानी मिल गया, कह देगा फुट फुट के नहीं पी सकती। लेकिन बेटी से तुम 10 बार मांगो वो 15 बार ला के देगी और आखिरी में वो वहीं बैठ जाएगी, वहीं बैठ जाएगी, माँ के साथ लेट जाएगी कि माँ का पता नहीं कब आदेश हो जाए। ये बेटियों का प्रेम है। और हम और आप किसके लिए परेशान रहते हैं, बेटा 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 बेटा। हनुमान जी कहते हैं आने वाला समय बेटियों का ही है, आने वाला समय बेटियों का ही है। अब मानो तुम और ना मानो तो, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं बिल्कुल 100% जो आने वाला समय है वो बेटियों का होगा। और हनुमान जी एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेटियों में ये होता है, होता कि नहीं होता। एक बेटी पूरे घर को चला रही है, सास को बीच चला रही है, सास को नचा रही है, देवर को घुमा रही है, नंद को घुमा रही है, कि सोचो कितना होगा उसके पास में। एक बेचारा वो सुबह जाता है टिफिन पैक करके, शाम को आता उसमें भी 36,000 उसमें भी ऐसा लगता पता नहीं कौन सी दुनिया की सारी दुनिया की कमाई ये करके आ गया, ऐसा लगता है पता नहीं क्या सारी दुनिया में यही कमा रहा है, बाकी सब पता नहीं होता है। सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है ना, छुट्टी होती है एक दिन, वैसे एक दिन माताओं को आराम देना चाहिए, एक दिन पता। अच्छा एक बार कोई था नहीं, अपनी बता दे थोड़ी सी, मेरी सुन लो, बहुत समय दिन की बात है। तुमने कहा आज कोई आया नहीं, अपने कपड़े खुद ही धो लो अच्छा रहेगा। तो हम कपड़े धोने के लिए बैठे, अपने कपड़े तो साफ करना चाहिए ना, तो अपने कपड़े साफ करने के लिए बैठे तो उस दिन हमें पता लगा कि देखो माताएं कितना मेहनत करती है, एक कपड़ा को धोने में पसीना से लस्त पस्त हो गए। तब मुझे एक दिन एहसास हुआ कि सचमुच माताएं घर में बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या भाई लोग क्या शाम को आएंगे, शाम को आएंगे और आते कहें तू करती क्या, बैठी बैठी खाती है दुनिया भर की बात बनाती है, पता है बैठे बैठे कितनी मेहनत लगती है। तब उसे ये कहा जाए ना कि एक काम करो कि तुमको बैठना आसान लग रहा ना, तुम सबके सब पुरुष घर बैठ जाओ, हमारी माताएं कमाएंगी अब, तो उसे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना करेंगे ना किसी को करने देंगे। लेकिन फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि दोनों ही एक वाहन के दो पहिया हैं, दोनों को मिलकर चलना चाहिए। भाई एक पहिया की हवा निकाल दी जाए तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो फिर गाड़ी चलेगी चलेगी नहीं, वहीं पर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी, क्या होगा तो गड़बड़ फिर। तो दोनों को साथ मिलके चलना चाहिए,
आज भगवान शंकर ने ये बताया है कि प्रिय बिना बुलाए कभी भी मायके नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा, बिना संदेह बिना सकुचाए चले जाना चाहिए। कहा कहा, एक छह महीने की बात होगी, एक बहन मेरे पास में आई, बोले महाराज जी पति चबड़ कर रहा था तो उसको देख के सास भी करने लगी, इसलिए गुस्से में मैंने अपना पैक किया सीधे आ गया। अब छह महीने हो गए लेने ही नहीं आ रहा है, अब आप कुछ कर दो। हमने कहा हम क्या कर दें, बोला आप कुछ कर दो, हनुमान जी से बोलो। हमने कहा हनुमान जी तो बोल रहे हैं कि जैसे आई थी वैसी चली जा, जैसे आई थी वैसे ही चली जा, अधिकार है भाई, तो कोई कोर्ट मेरिज या एग्रीमेंट पे तो आई नहीं है ना, ये हिंदू सनातन धर्म की रीति सात बंधनों में बांधती है, सात जन्मों का बंधन होता है ये, एक दो का नहीं। अपने भारत से बाहर जाओगे तो ये चक्कर वाला काम नहीं होता, वहां तो सीधे एग्रीमेंट होता है। हमारा जो भारत वर्ष है ये संतों की ऋषियों की भूमि, यहाँ जो विवाह होते हैं हमारे भारत में इतने मजबूत बंधन बंधनों से बांधे जाते हैं कि लड़ लो झगड़ लो। पहले के समय जब ये दूरभाष नहीं होते थे, मोबाइल वगैरह, ये माताओं के साथ हुआ भी होगा कि घरों में कलेश हो जाता था, पहले के समय ज्यादातर कलेश में सासू माँ के चक्कर में होता था। अब क्या सासू माँ के चक्कर में कलेश हो गया, पति ने आके समझा दिया, कोई बात नहीं माँ है माँ है। अब रोती 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 दिन व्यतीत किया, रात कटी, किसी ने खाने और पानी को नहीं पूछा, सबके सब आपस में खपा है, सबके सब आज गुस्से में आकर एक फैसला ले लिया। ननंद के पास में गई और जाकर उसके बस्ता में से एक कॉपी निकाली और एक पीछे से पेज फाड़ा और रात्रि के अंधकार में लालटेन जलाकर अपनी सारी व्यथा लिखने लगी। सारी व्यथा लिखी एक एक करके, व्यथा दुख लिखा, दुख लिखते 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 एक सप्ताह हो गया, सारी बात एक एक लिखी, एक सप्ताह हो गया। और एक सप्ताह के बाद में उसे पैक किया गया, उस लिफाफा को पैक किया गया। और फिर अब इस इंतजार में कि देखो पत्र तो भेज रही हूँ अपने मायके, किसी को पता ना लग जाए, ऐसे व्यक्ति की खोज करूं जो किसी को बताए ना और जाके पोस्ट ऑफिस में डाल के आ जाए चुपचाप से। अब गांव के किसी व्यक्ति को बुलाया, नहीं आया, इतनी देर में क्या हुआ, सासू माँ आ गई, सासू माँ ने जहां मीठी मीठी दो बात कही प्रेम से। एक दिन सासू माँ आई, सासू माँ बोली कि मैं दो दिन से देख रही हूं तू खाना नहीं खा रही, आज तुझे मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। सासू माँ लड़की भी बड़ा प्यार भी करती है, आज तुझे मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा। अब मन तो बड़ा दुखी है,
अब क्या करें? कहा कि हाँ माँ कोई बात नहीं, अब आज सासू माँ के 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, आज सासू माँ और बहू रानी दोनों भोजन कर रहे हैं। अब अगले दिन मन में विचार आया कि चिट्ठी तैयार रखी हुई है, कोई मिल नहीं रहा है। अगले दिन शाम को फिर सासू माँ और बहू भोजन करे। अब मन में विचार है जब कब सब कुछ बढ़िया से हो गया तो फिर काय को भेजना। पत्र लिखने में 8 दिन लगा दिए, 2 दिन रखा रहा वो पत्र और 10वें दिन सब कुछ अलट पलट हो गया। अब मन के विचार बदल गए, उस चिट्ठी को फाड़ कर चूल्हे में स्वाहा। ये पहले का समय था और एक आज का, जहां छोटी सी बात हुई वहीं बेटी तुरंत माँ को फोन कट कर, पिता को नहीं करती जल्दी से, पिता को जल्दी से नहीं करी, माँ को फोन कटाएगी। माँ देख आज ना ऐसी बात हो गई है, हैं मेरा मन था कि आज मैं खाने में ना शाम के मटर पनीर बनाऊं, लेकिन सास ने अपनी चला ली, कहने लगे नहीं मुझे मटर पनीर नहीं, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, बेटी तू डरियो मत, घबराइयो मत, तू मेरी बेटी है, हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। ले अब माँ ने क्या कौन सा किया है, कलेश बढ़ाने का या शांत करने का? वहीं पर माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, तेरा ससुराल है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तू अपना वाला कल बना ले, सासू माँ वाला आज बना ले। बात वहीं थी खत्म, लेकिन खत्म करने की जगह उस रबड़ को खींच समखींच क्या हुआ, कलेश बढ़ गया। आज कल 80% रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? टूटने के कगार पर है क्यों? अरे भाई जब बेटी का ब्याह कर दिया है तुमने तो उसको अपना जीवन व्यतीत करने दो ना, सुख में रहे दुख में रहे, छोड़ो ना उसको तुम। लेकिन नहीं, माँ ने दहेज में सब कुछ दिया पर आखिरी में कहने लगे अपने पति से, माँ कहने लगी कि देखो मेरी बेटी को फोन बड़ा पसंद है, इसे फोन और दिलवा दो, ससुराल की सारी जासूसी यहाँ करके भेजेगी, एक एक बात भेजेगी, लो साथ में फोन और दे दिया, मुसीबत की जड़। अच्छा है या नहीं मुसीबत की जड़, है या नहीं है? सब कुछ दो लेकिन हाँ दे, फोन भी दो, मैं क्या मना नहीं कर रहा, दो, लेकिन उनको अपना जीवन जीने दो, अपने तरीके से जीने दो, बीच में मत जाओ, झगड़ा हो रहा होने दो। कब तक? साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, एडजस्ट हो जाएगा। अब ये नहीं कि थोड़ी सी छोटी सी छोटी बात पर लेके तलवार खड़े हैं कि मेरी बेटी को क्यों बोल दिया। या भगवान शंकर भी कहते हैं 5 जगह बिना बुलाए चले जाओ, 5 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ? ससुराल में बिना बुलाए, पति बुलाने ना लेने ना आए, देवर लेने ना आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आए थे वैसी पिक करके पहुंच जाओ, वैसी पहुंच जाओ। और गुरु के यहाँ पर, गुरु जी के यहाँ पर बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना बुलाए। पत्र निमंत्रण आए या ना आए, आपको सूचना मिल गई है, आपका मन कर रहा है तो चले जाओ, चले जाओ। और गुरु यानी ससुराल, गुरु और प्रभु, प्रभु के मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। आजकल तो लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद भी मन में उनके ये विचार आता है कि मंदिर का जो पुजारी है वो मेरी जी हजूरी करे आके, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, ऐसे नहीं ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ, हैं? अरे भैया काय की जी हजूरी, तुम मंदिर में पूजा करने गए जल छोड़ो और जाओ, काय की जी हजूरी, क्यों, किस बात की? एक मेरे से आके कहता कि महाराज जी हमारे घर के पास में मंदिर है लेकिन पंडित जी से बनती नहीं है हमारी। लो पंडित जी से नहीं बनती तुम्हारी, भगवान से बन रही है, भगवान से बना लो।
पंडित जी से तुम्हें क्या लेना देना, भगवान से नाता जोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। तो मित्र प्रभु गुरु गृह यहां जाना चाहिए। आज भगवान ने समझाया, सती ना मानी, और जब सती नहीं मानी तो आज नंदी पर सवार होकर अपने पिता के घर गई भवानी। तो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई, शंभु का भाग है, भगवान शंकर का भाग कहीं नहीं देखा, तो क्रोध आ गया और क्रोध में आके तजहु तुरंत देहते ही है तू, तजहु तुरंत गया। क्रोध में आकर अपने आप मैं ये निश्चित कर लिया कि अब मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। पत्नी अपने पति को सवेरे से लेकर शाम तक चाहे 36 भोज सुनाए, उसी जगह पर उसके पति को अगर कोई बाहर वाला एक शब्द कह दे तो उसे अच्छा लगता है, कहते मेरा पति मेरा अधिकार है, मेरा पति मेरा अधिकार है, अब कुछ भी करूं, सुबह से शाम तक सुनाऊं या मारूं या जो भी है। तो आज सती मैया को अच्छा नहीं लगा, क्रोध में आकर अपने आप को समाप्त करने की सोच ली। मरने से पहले सती एक बार भगवान श्री हरि के पास गई और हरि के सामने हाथ जोड़कर सती क्या कहती है कि प्रभु की सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि जन्मों तक मेरा प्रेम प्रभु के चरणों में बना रहे। इसी कारण से आज सती ने देह का त्याग करके अगले जन्म में हिमालय के घर में पार्वती के रूप में मैं आपको प्रकट किया।
यहीं से आगे कथा आती है कालपाती मनु और शत्रुपा से दो पुत्र का जन्म हुआ। वहीं उत्तानपात की कथा सुनाते हैं। उत्तानपात की दो पत्नी हुई सुनीति और सुरुचि। दोनों में सुरुचि राजा को अधिक प्रिय है और सुनीति जिसके पुत्र ध्रुव हुए। आपको संक्षेप में सुनाएंगे, जिसके पुत्र ध्रुव हुए तो जो सुरुचि है इससे राजा बड़ा प्रेम करते हैं और सुनीति से धीरे धीरे प्रेम कम हो गया, धीरे धीरे प्रेम कम हो गया। सुरुचि के कहने पर राजा ने अपनी पत्नी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। आज सुनीति एक बियाबार जंगल में रहती है, वहीं पर ध्रुव जी का जन्म हुआ। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, जब मैं बालकों के साथ खेलता हूँ तो बालक मुझसे पूछते हैं कि बता तेरे पिता का नाम क्या है, तेरा पिता कौन है, कि माँ बता। माँ ने बात टाल दी। एक दिन हो गया, दो दिन, एक दिन वो बालक जिद पर अड़ गया कि बता मेरा पिता कौन है, बता मेरे पिता। अब तो मेरे मास्टर साहब भी पूछते कि मेरे पिता कौन है, बताओ। तो कहा कि जिस राज में तुम रहते हो उस राज के जो राजा हैं वो ही तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। आज ध्रुव को सुन के बड़ा अच्छा लगा। एक दिन की बात है, बिना बताए गुरुजी चले गए राज्यसभा में। तो जाकर क्या देखते हैं कि उत्तानपात अपनी प्रिय पत्नी के साथ में सिंहासन पर बैठे हैं, गोद में पुत्र उत्तम है। ध्रुव जी महाराज गए, भाई उत्तम को हटाकर खुद से बैठना चाहा। उसी समय क्या किया, छोटी माँ ने उस 5 वर्ष के बालक का हाथ पकड़ के झटकोर दिया, ताकि एक तरफ हट जा, तूने ऐसा कर्म किया नहीं किया कि तू पिता के गोद में बैठे। अगर पिता की गोद में तुझे बैठना है तो जा भगवान से जाके प्रार्थना कर, भगवान से जाकर मिल, और जब भगवान मिल जाए तो कहना कि मुझे अपनी छोटी माता के गर्भ से जन्म दो, ताकि मैं पिता के गोद में। आज रोता रोता 5 वर्ष का बालक माँ के पास गया, माँ को सारी बात कही। माँ ने कहा कि बेटा, अगर छोटी माँ ने कहा है कि भगवान से जाकर मिलो, भगवान का भजन करो, तो बेटा उसी में कल्याण है। माँ की आज्ञा को पाकर आज ध्रुव जी वन में गए हैं, बियाबार जंगल है। मार्ग मंगल के देवऋषि नारद मिले तो नारद ने पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो। कहा कि भगवान से मिलने। एक 5 वर्ष का बालक भगवान से मिलने को तड़प रहा है, और आज 5 से 50 हो गए, 25 वाली भी है, 30 वाले भी है, लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा एक बार भी मन में नहीं जागी। हम जिसको चाहते हैं वो ही मिलता है, जो चाहते हैं वो मिलता है, भगवान कभी नहीं चाहते तो वो मिलता भी नहीं, कभी नहीं मिलता। आज लगन ऐसी लगी प्रभु से मिलने की, ध्रुव जी को समझा देवऋषि नारद ने, नारद जी समझ गए कि मानेगा नहीं है, बालक जिद्दी होते हैं, हट होते हैं, जो एक बार मन में आ गई तो वो कर नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। तो देवऋषि नारद ने कहा कि देखो भगवान ऐसे मिलते नहीं है। तो बालक बोला कैसे मिलते हैं, बोला जिनके गुरु होते भगवान उन्हीं को मिलते हैं, तो पहले जाओ गुरु की खोज करो, जाके गुरु की खोज करो। तो आज वो छोटा सा बालक कहता है कि जितनी देर में मैं गुरु की खोज करूंगा उतनी देर में तो भगवान मुझे मिल जाएंगे,
और तुमसे अच्छा इस धरती पे कोई गुरु नहीं है, तुमसे अच्छा नहीं है। तो भगवान के भक्त देवर्षि नारद समझ गए कि बालक बड़ा तेज है, संकल्प लेके आया भगवान से मिलके जाऊंगा। फिर समझा कि बेटा बियाबार जंगल है, शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, बड़े बड़े बंदर रहते हैं, भालू रहते हैं, खा जाएंगे, चले जाओ। बोला क्या हुआ, खा जाएंगे, कम से कम किसी के काम तो आ जाऊंगा, किसी का पेट तो भर जाएगा।